नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं भावना शर्मा। 22 जुलाई है, संडे का दिन है। इसी के साथ आज बात करेंगे आपकी राशियों की, साथ ही में कुछ खास उपायों की। लेकिन उससे पहले बताऊंगी आपको कि नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र, ये क्या होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी को बुरी नज़र लग जाए तो उसकी ज़िंदगी में हमेशा बुरा ही बुरा होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा है, किसी पार्टी में गया है, अचानक से उसे सब लोगों से मिला, उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो कहते हैं कि बुरी नज़र लग गई। इसका मतलब क्या है? बुरी नज़र इज़ नथिंग बट द नेगेटिव एनर्जी जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को के अंदर वो एनर्जीज जो होती हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। जैसे कि जब आप हीलिंग में देखते हैं, रेकी हो गई या किसी और तरह की हीलिंग होती है, जब आप पॉजिटिव एनर्जीज भेज सकते हैं, जब हम भी हीलिंग्स करते हैं तो जब हम पॉजिटिव एनर्जीज भेज सकते हैं तो कोई अगर किसी के इंसान के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जेलस, ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा है, तो वो इंसान किसी से भी मिलेगा, उसकी एनर्जीज जो होंगी वो नेगेटिव दूसरे इंसान में ज़रूर जाएंगी। उसी को कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी या बुरी नज़र लग जाना। इसीलिए कहते हैं हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जीज कहाँ से रिलीज होती हैं? आपके थर्ड आई चक्रा से, जहाँ पर आप बिंदी यानी कि जहाँ पर आप यहाँ पे थर्ड दोनों आईज के बीच में जो बिंदु होता है जिसे आप थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी इसे कहा जाता है, यहाँ से हर वक्त आपकी एनर्जीज रिलीज होती रहती हैं। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहते हैं ना कि बिंदी लगाना या चंदन से तिलक लगाना, आप रोली से तिलक लगाना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? ताकि आपकी एनर्जीज रिलीज ना हो, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट ना हो। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अपने थर्ड आई चक्र पर तिलक लगा करके रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ, हमेशा मंत्रों के जाप के साथ आप बाहर निकलें, भगवान को नमस्कार करके आप बाहर निकलें। तो चलिए इसी थॉट के साथ करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए दिन का हाल। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए निकल रहा है 9 of Wands, एंड द सेकंड कार्ड इज डेविल। कोई विशेष व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है आज, कहीं ना कहीं पे आज जो हेल्पिंग हैंड रहेगा आपके लिए ज़्यादा रहेगा। समय के साथ चलें, अपने किसी भी काम को कल के ऊपर न छोड़ें। जो काम आप करना चाहते हैं या जो आपकी योजना है उसके बारे में आप जल्दी ही कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। छोटी मोटी परेशानियाँ जो हैं वो सुलझती हुई नज़र आ रही हैं। उपाय क्या करेंगे आज? जैसे कि संडे का दिन है तो सूर्य को तांबे के लोटे से जल देना बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि वालों के लिए फर्स्ट कार्ड द एम्परर, इन द सेकंड कार्ड इज 5 of Swords। आप लोगों के लिए कोई नया काम हाथ में लेने से पहले सोच विचार कर लें तो बेहतर रहेगा। आप अपनी बात साफ साफ बताएं क्योंकि कहीं ना कहीं पे आज आपकी स्पीच में, आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही। तनावपूर्ण मौके पर संतुलन बिठाने में भी आज सफल हो सकते हैं, तो कोशिश करें आपकी प्लानिंग्स जो हैं उसको सक्सेस आज बिल्कुल मिलेगी। तो उसके लिए आप पहले से ही आप हर चीज़ को मैनेज करके चलिए। टाइम मैनेजमेंट आज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़मर्रा के काम में जल्दी हो सकती है, यानी कि बहुत जल्दबाजी में आपको काम करने पड़ेंगे। मे बी वक्त ना मिले आपको अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को सेट करने का। उपाय क्या करना है? आज मंदिर में गुड़ का दान देना बहुत ही लाभकारी रहेगा। ऐसा करने से जो लोग विरोधी हैं आपके वो बहुत ही जल्दी आपके साथ एक तरह से बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे या विरोधी जो हैं वो शांत हो जाएंगे। मिथुन राशि, पहला कार्ड निकल रहा है 10 of Pentacles, एंड द सेकंड कार्ड 6 of Pentacles। किसी से कर्जा भी आज आपको लेना पड़ सकता है, मे बी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फालतू का खर्चा जो है उससे बचेंगे। जोखिम भरा कोई भी काम है वो भी आज नहीं करना है, यानी कि कोई रिस्क वाला काम नहीं करना है। समय का इंतज़ार करें, कोशिश करें जल्दबाजी में कोई डिसीजंस नहीं लें। और आज के दिन में पढ़ाई पर ध्यान देना है, स्टूडेंट्स को प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, तो पूरा हार्डवर्क कर लीजिए। आज स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं पर आपको अपनी तरफ से इनपुट्स डालने की ज़रूरत है। बाहर का खाना खाने से आज आप लोग बचेंगे। उपाय क्या करना है? कहीं पर भी बाहर जाने से पहले आप अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ज़रूर जाएँ। कर्क राशि, फर्स्ट कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून, इन द सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। कुछ खास फैसले आपको करने पड़ सकते हैं आज, मे बी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। सोच विचार के लिए समय ज़रूर निकालें। साथ ही में आज आप लोगों की भलाई के लिए कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको ही बड़ा फ़ायदा हो सकता है, तो लोगों की हेल्प करने के लिए आज आप आगे बढ़ेंगे। सेहत में सुधार हो सकता है, साथ ही में आज ठंडी गर्म चीज़ें खाने में थोड़ी सी सावधानी रखें। उपाय क्या करना है? पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाना आज लाभकारी रहेगा आपके लिए। सिंह राशि, फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ
swords and the second card is three of wands. So office में साथ काम करने वाले जो लोग हैं यानी कि जो आपके colleagues हैं उनके साथ बहस या मतभेद होने के योग बन रहे हैं, सावधान रहिए. वाहन का प्रयोग करते वक्त भी आपको सावधानी बरतनी है. नौकरी या बिजनेस से जुड़ी टेंशन्स आज बढ़ सकती हैं. प्रॉपर्टी संबंधित मामले भी कहीं ना कहीं पर उलझते हुए नजर आ रहे हो. आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना है, चाहे बात करें फिनांसिस की, चाहे बात करें आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की. उपाय करेंगे आज, काली मिर्ची का सेवन करना काफ़ी लाभकारी रहेगा. ऐसा करने से आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो बैलेंस रहेंगे. कन्या राशि, फर्स्ट कार्ड द मून एंड द सेकंड कार्ड इज एट ऑफ कप्स. रिवर्स में नौकरी पेशा लोगों को अचानक से धन लाभ हो सकता है आज. राशि, इस राशि वाले लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो खासतौर पे काफ़ी खुश रहेंगे. फील्ड या संस्थान बदलने के लिए दिन अच्छा है, यानी कि चेंजेस के लिए दिन अच्छा है. उपाय करना है, गुड़ का दान देना आज बहुत ही शुभ रहेगा. कोशिश कीजिए गुड़ का दान ऐसे इंसान को दीजिए जो 40 to 50 ईयर्स के बीच का इंसान हो. तुला राशि, पहला कार्ड निकल रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज डेथ कार्ड. द रिवर्स में सोचे हुए काम करने में सफलता मिल सकती है आपको. इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में सोचेंगे. अच्छे दोस्तों के साथ समय बीतेगा, आपके लिए दिन काफ़ी अच्छा है. कामकाज के लिए ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. उपाय करना है, आज गेहूं के आटे का हलवा बना करके किसी गरीब को या किसी भी ऐसे इंसान को खिलाएं जो आप जैसे मंदिर से बाहर आएंगे तो आपको मिल जाए वो इंसान. ऐसे इंसान को देने से आपका कहीं ना कहीं पर अगर कर्जा चढ़ा हुआ है या पैसे के लेन देन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं ये खत्म होंगी. वृश्चिक राशि, पहला कार्ड निकल रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज एम्प्रेस. आप लोगों के लिए किसी भी बाहरी चीज़ पर भरोसा करने से बचना है आपको. सिर्फ खुद पर ही आज भरोसा करें. सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, लेकिन आज आप जितने चुपचाप रहेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. बहुत ज़्यादा बोलना या ऊँचे स्वर में बोलना आज अच्छा नहीं है. उपाय करना है, आज गरीबों को खाना ज़रूर खिलाएं या खाने की सामग्री का दाना ज़रूर करें. ऐसा करने से आपके विरोधी तो शांत होंगे ही, साथ ही में आपसी रिश्तों में कलह क्लेश भी खत्म होगा. धनु राशि, पहला कार्ड फाइव ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. आज के दिन में प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े लोग जो हैं यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्हें धन लाभ होने की संभावना नज़र आ रही है. लोगों से अपनी बात मनवाने में आज आप सफल हो जाएंगे. यानी कि जो लोग कम्युनिकेशन की लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है. मार्केटिंग फील्ड वालों के लिए भी समय अच्छा है. छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए आज खास हो सकती हैं. छोटे छोटे मोमेंट्स को आज आप इन्जॉय करेंगे. धैर्य रखना ज़रूरी है क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन लेना आज अच्छा नहीं रहेगा, और तौर पे ट्रांजैक्शंस करते वक्त. उपाय क्या करना है, सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगा करके दिन की शुरुआत कीजिए. मकर राशि, पहला कार्ड फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ सॉर्ड्स. बिजनेस में फायदेमंद बड़े सौदे हो सकते हैं. कुछ फैसले आज अटक भी सकते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे आपको शांत रहने की ज़रूरत है. नए नौकरी या व्यवसाय के ऑफर आपको मिल सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करने के बाद अच्छी सफलता मिलने के योग नज़र आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पर निराश नहीं होना है. उपाय क्या करेंगे, कोई सुगंधित वस्तु दिन भर अपने पास रखें. ऐसा करने से दिन में आपका जो लक फैक्टर है वो बढ़ेगा. और कोशिश करें आप चमेली के से जुड़ा हुआ कुछ भी एसेंस जो है वो अपने पास रखें. कुंभ राशि, पहला कार्ड निकल रहा है द जजमेंट एंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप लोगों के लिए आज के दिन में सिर दर्द और कफ के रोग परेशान कर सकते हैं. एंटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सेहत पर ध्यान देना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साथ ही में जीवन शैली में थोड़े बदलाव हो सकते हैं. पुराना पैसा जो है वो रुक सकता है. नया निवेश कोशिश कीजिए नहीं करें. जो पहले ट्रांजैक्शंस उसे करके पूरा कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे. उपाय क्या करना है, हनुमान मंदिर के शिखर के दर्शन करना है आज. बहुत ही लाभकारी रहेगा. मीन राशि, पहला कार्ड हैंगमैन एंड सेकंड कार्ड फाइव ऑफ पेंटैकल्स. जीवन साथी से कोई गिफ्ट मिल सकता है. नए ऑफिस या दुकान खरीदने का मन बना रहे हैं. कहीं ना कहीं पे कारोबार के लिए यात्रा का योग बन रहा है. जी हाँ, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है. नौकरी में परेशानी आ सकती है. अगर चेंजेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल करके कीजिए. स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है. उपाय क्या करना है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आज लाभकारी रहेगा. इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही. कल फिर होगी मुलाकात, और कल भी लेकर आऊँगी ऐसे ही आपके दिन का हाल. लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए आज तक के साथ.